राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग भारत सरकार के सदस्य मंजू दिलेर ने गुरुवार को लोक निर्माण विभाग कार्यालय में नगर निगम के अधिकारियों, ग्रामीण सफाई कर्मियों, समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों ने अपनी अपनी बातों को रखा। मंजू दिलेर ने कहा कि सफाई कर्मियों को प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित किया गया मिनिमम वेज मिलना चाहिए, जो हर क्षेत्र में रिवाइज होकर आता है। ग्रामीण क्षेत्रों में मैनुअली काम कराना कानूनन अपराध है। प्रधानमंत्री का स्वच्छ भारत मिशन अगर कोई पूरा करता है तो ये कर्मचारी पूरा करता है। इन कर्मचारियों के लिए जो भी योजनाएं सरकार द्वारा आती हैं, इनके परिवार मिलना बहुत जरूरी है। उसके लिए मैंने आज अधिकारियों को निर्देशित कर दिया है। बैठक में जिला समाज कल्याण अधिकारी सप्त ऋषि कुमार, उपनगर आयुक्त अवनींद्र कुमार सिंह, मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अतुल कुमार, नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मुकेश रस्तोगी, सहायक नगर आयुक्त संजय शुक्ला, मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी अखिलेश कुमार, डूडा के पीओ तेज कुमार, नगर निगम कर्मचारी समन्वय समिति के पदाधिकारी, उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ के अधिकारी सहित अन्य विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुरी संवाददाता से बात करते हुए राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग भारत सरकार के सदस्य मंजू दिलेर ने कहा, और बड़े बड़े नाले गांव सभा में बड़ी बड़ी गांव सभाएं हैं, वहां घुस करके वो नाला साफ करते हैं। हम कई बार प्रदेश में अपने प्रमुख सी पी आर साथ को घुस रहे 2 किलोमीटर तक हमारे ले जाकर, तो ये ठेला दिन भर में वो 3 बार से नहीं ले जा पाते, 2 बार से नहीं ले जा पाते। जो हम बता रहे हैं ये ठेला ही वाली, जो सीधी और टाली वाली पंचायत स्तर पर ब्लॉक स्तर पर लिखी गई है, लेकिन जो उनको जो नाली जो साफ करते हैं उसमें जो सफाई के पहन के नहीं करते हैं। अभी तक कुछ समय जो है कि जो अभी ग्रामीण सफाई कर्मियों का जो शोषण हो रहा है ग्राम पंचायत स्तर पर, पेरोल व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है, इसके बारे में कई बार हम लोगों ने आंदोलन किया, लेकिन इसके बारे में कोई नहीं बात नहीं कर रही है। तकनीकी नहीं हो सकता, टेक्निकल हाँ, स्वच्छता सैनिक, हाँ स्वच्छता सैनिक भी यहाँ हो सकता है। स्वच्छता सैनिक रहेगा तो हमारे सब नौजवान है, अगर इनकी योग्यता नहीं, अभी नहीं 28 मार्च 2018 में तो उन्होंने मुझे बताया था, मैडम हम लोग इसको प्रोसेस में ला रहे हैं, शिक्षा के आधार पर पदोन्नति का प्रावधान करेंगे, जिसमें जो पढ़ा लिखा है उसको हम लोग कंप्यूटर ऑपरेटर या जो आगे जहाँ भी हम लोग कर सकते हैं। मैडम को बुला लिया जाता है कि यहाँ पाइए और यहाँ साफ सफाई करना है, तो ये भी एक मैडम ये बहुत बड़ी समस्या हमारे कि हम लोग ये चाहते हैं मैडम, जैसे मान लीजिए हमारा मैसेज हो गया, नहीं अगर पहुँच पाया कर्मचारी उसका वेतन कट जाता है, ये मैसेज वाली व्यवस्था थोड़ी और जो है समाप्त ग्रामीण क्षेत्र में है ना, उनको 50% का मैसेज व्हाट्सएप मैसेज जी व्हाट्सएप मैसेज से लगा दिया जाता है, चाहिए अगर वो व्हाट्सएप को नहीं देखा नहीं पहुंच पाया समय से तो उसके लिए समस्या हो जाती है। ये व्यवस्था जैसे सर आप क्यों दे रहे हैं नेता बलगन बैठे पूछ लीजिए, मैं पूछूंगी जब मैं पहले कर्मचारी की सुन लूं तब तो बात करूंगी ना, आप हर चीज अरे आप बंद करिए, आप हर चीज का उत्तर क्यों दे रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है। चलिए पूछ लीजिए, लेकिन अधिकारी से जब मैं पूछूंगी तो वो बताएगा कि नहीं बताएगा मैडम, वो किस लिए है, जरूरी है वो करवा दीजिए जो होना चाहिए। हेलो भैया मैं समझ कर यार वो बन गए, अभी मुझे लगता है कि आप मुझे मीटिंग नहीं करने देंगे, हम चले जा रहे हैं मैडम, जाने की बात ही नहीं आई है, जो बात है कि आप बात नहीं समझे, आपको अपनी बात कहनी है, आपने अपना ज्ञापन दिया, दूसरे को अपनी बात कहने का अधिकार है कि नहीं है, हम एकदम मान रहे हैं, लेकिन जो काम हो गया है तो आप क्यों जवाब दे रहे हैं, अधिकारियों से पूछ आप दिव्यांग के प्रतिनिधि कौन है, आप है ना, क्या है आपका डेजिग्नेशन क्या है, एडीओ पंचायत है आप, तो आप भगवान से पूछूंगी तो आप बताएंगे नहीं क्या, जो बात आप बोल रहे हैं बीच में वही चुप ना, तो फिर आप क्यों बोल रहे हैं, आप मैं उनसे पूछूंगी ना, अब आप बीच में नहीं बोलेंगे, आपकी बात हो अपनी बात करेंगे, दूसरा कोई बात बोलेंगे तो आप नहीं बोलेंगे, लेकिन का विषय है ही नहीं ना, विषय है कि जिसको जो अपनी बात कहनी है सबको सुनने हैं, किसी में भी खाली नहीं है, जो अंदर बीटों में मोहल्लों में काम करते कोई खाली नहीं है, टोटल कितना कर्मचारी है हमारा आप बताइए,
आउटसोर्सिंग के 2600 कर्मचारी है, अस्थायी कर्मचारी 883 है, ये टोटल संख्या है मान रखी। सफाई कर्मचारी को बुलाओ, सफाई कर्मचारी अभिनाश मल शासी अधिकारी नगर पंचायत पर जिला समाज मैम 3045 कितना है? 3085 टोटल स्ट्रेंथ है 85। क्वेश्चन है आपका? हाँ बाकी सब से तो इसके लिए आपने बोला नहीं कि इसको फिल करने की शासन से अनुमति नहीं मांगी? अनुमति मांगी थी मैडम, लेकिन वहाँ से अनुमति नहीं मिली। कब मांगी थी? पिछली भी गवर्नमेंट में मांगी। तो दुकियाँ चेंज होती होंगी, तब इनको आप लोग उनका ये कहना है कि जो मैसेज के द्वारा हमको सूचना आती है वो कई बार ऐसा हो जाता है कि मैसेज हमको नहीं मिल पाया और हम वहाँ नहीं पहुँचे तो हमको निलंबन का या और भी समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो या तो मुझे लगता है कि विभाग सबको फोन उपलब्ध करा दें। आज राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग भारत सरकार के सदस्य होने के नाते मैंने यहाँ बैठक किया, समीक्षा बैठक थी अधिकारियों के साथ, लेकिन सीएम साहब के दौरे के कारण जिले स्तर के सभी अधिकारियों के साथ नहीं हो पाई। कुछ ही अधिकारी यहाँ रहे, नगर पालिका, नगर पंचायत, आपके जनपद गोरखपुर और निगम गोरखपुर के सभी कर्मचारियों के साथ मेरी यहाँ लगभग मीटिंग हुई, उनकी जो समस्याएं थी उनको मैंने सुना और उसके बाद अधिकारियों से बात हुई। तो जो शहरी क्षेत्र में अनियमितताएं देखने को मिली वो सबसे बड़ी ये मिली कि जो आउटसोर्स का कर्मचारी है जिसका 3-3 महीने वेतन पेंडिंग रहता है जो नहीं होना चाहिए, रात और दिन मेहनत का काम करता है और वो भी उसको हम पूरा मेहनताना नहीं दे रहे, मिनिमम बेस यहाँ गोरखपुर नगर के अंदर पूरा नहीं मिल रहा है, जो एक बड़ा दुख का विषय है। मैंने आज निर्देशित किया जो स्टेट गवर्नमेंट का मिनिमम बेस है वो इनको मिलना चाहिए जो कि हर 6 महीने में रिवाइज होकर आता है। दूसरा, सेफ्टी किट के बिना हम लोग यहाँ काम करा रहे हैं, यहाँ निगम काम करा रहा है। मैंने स्वयं भी कर्मचारियों को विदाउट सेफ्टी किट काम करते हुए देखा, ग्लव्स, मास्क, बूट होना चाहिए जो नहीं है, मैकेनाइज जहाँ नालों की सफाई वगैरह है मैकेनाइज होनी चाहिए, जैसा कि यहाँ के अधिकारियों ने बताया कि वो हम मैकेनाइज करा रहे हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में ये रहा कि मैकेनाइज अभी नहीं है, जेसीबी के द्वारा नहीं, मैनुअली हम करा रहे हैं जो कि कानूनन अपराध है। मैनुअली हमको किसी को भी नाले में सीवर में नहीं उतारना है, किसी भी तरह का मैनुअल काम नहीं कराना है, ये मैंने आज निर्देशित किया कि इस तरीके से हमको नहीं कराना है। दूसरा, साल में 365 दिन चलने वाला महत्वपूर्ण काम है, प्रधानमंत्री जी, देश के प्रधानमंत्री जी का स्वच्छ भारत मिशन को अगर कोई पूरा करता है तो यही कर्मचारी पूरा करता है। इस कर्मचारी के लिए जो भी योजनाएं सरकार की आती हैं, चाहे वो आयुष्मान भारत योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, स्वरोजगार योजनाएं हो, इनके लिए मिलना बहुत ज़रूरी है, इनके परिवारों को मिलना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आज मैंने निर्देशित किया, देश के प्रधानमंत्री जी चिंता करते हैं गरीब की, दलित की, तो उसकी चिंता में यहाँ के अधिकारियों को भी अवेयर रहना होगा और इनकी चिंता करनी होगी। इनके लिए जो समस्याएं आती हैं उन समस्याओं का समाधान समय समय से करते हुए इनके लिए जो योजना है उनका लाभ इनको देते रहना होगा। मैडम जो शाहपुर बस्ती में आज मैंने विजिट किया, वहाँ देखने को मिला कि जब पहले से निर्धारित था कि मैं वहाँ जाऊँगी तो सफाई व्यवस्था थी, लेकिन सड़क वहाँ नहीं है,
लाइट वहाँ पिलर नहीं है, लोगों ने बांस पे तार डाल, बांस के सहयोग से तार डाल रखा है जो कि सही नहीं है। मैंने ये निर्देशित किया कि वहाँ तुरंत सड़क की व्यवस्था कराई जाए और लाइट के पोल वहाँ लगवाए जाएं। आज हमने एक ही जगह निरीक्षण किया क्योंकि सुबह में कोई कर्मचारी आ नहीं पाया था, अधिकारी भी थोड़ा देर से आना हुआ क्योंकि सीएम साहब का दौरा होने के कारण आज थोड़ा सा व्यवस्थित नहीं रहा। हम लोगों मैंने आज कहा है कि करीब एक महीने बाद हम दोबारा से यहाँ निरीक्षण करेंगे और समीक्षा बैठक जिले स्तर के सारे अधिकारियों के साथ कलेक्ट्रेट या जहाँ भी स्थान तय होगा वहाँ करेंगे। मंदिर पे सफाई कर्मियों को नहीं देखा, मंदिर जाते समय रास्ते में सफाई कर्मियों को देखा जो कि विदाउट ग्लव्स विदाउट मास्क काम कर रहे थे। कानूनन अपराध है, माने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन अनुसार कोई भी ग्लव्स और मास्क के बिना काम कराना नहीं है। सफाई कर्मियों के वेतन कितना निर्धारित है? वेतन मिनिमम वेज यहाँ का जो स्टेट गवर्नमेंट का है अभी का 295 है और यहाँ दे रहे हैं 259 जो कि गलत है। हमने निर्देशित किया कि उसको 295 ही मिनिमम वेज मिलना चाहिए। नहीं अभी क्योंकि आज कर्मचारी को उस मीटिंग में नहीं बुलाया था, आज कर्मचारी मीटिंग के बाद आए। अगर 295 मिलता है तो निश्चित ही मान लीजिए कि मैं स्वयं कहूंगी कि उस पर FIR होनी चाहिए ऐसे ठेकेदार पर। अगर अधिकारियों की इसमें संलिप्तता है तो ऐसे अधिकारियों पर भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र में कर्मचारियों की स्थिति ठीक है, उन्होंने जो बताया कि थोड़ा सा उनको समस्या है जो प्रदेश स्तर की समस्या है, जैसे पेरोल पे जो साइन करने का सिस्टम है उसमें कहीं ना कहीं उनके साथ समस्या उत्पन्न रहती है, वो शासन स्तर की जो समस्याएं थी उसके लिए हम शासन को लिखेंगे। मतलब कूड़ा के लिए जो निस्तारण की जो है वो व्यवस्था भी पर्याप्त बन नहीं पा रही, उसके लिए क्या है? उसके लिए हमने कहा कि कूड़ा के लिए एक डंपिंग ग्राउंड अच्छे से होने चाहिए उसके निस्तारण के लिए, उससे हम और भी काम कर सकते हैं, गैस बनाई जा सकती है और भी बहुत सारी चीजें हैं, जिसके लिए मैंने आज निर्देशित किया कि कूड़ा कलेक्शन का एक स्थान निर्धारित किया जाए। जैसा बताया मीडिया के मधुओं ने भी बताया कि कूड़ा रोड पे डाल दिया जाता है, उसके लिए एक सही स्थान सुनिश्चित स्थान होना चाहिए।